वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। तो दोस्तों, हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और इस वर्ष का जो थीम क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि थीम से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2024 का जो थीम क्या है, और साथ ही साथ हम लोग इसका जो इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ जानकारी है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में। पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल पूरे विश्व में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो पर्यटन का जो महत्व क्या है अभी के जो समय में देखा जाए, तो पर्यटन का जो है काफ़ी महत्व है। तो पर्यटन का जो महत्व है वह लोगों में किस प्रकार से फैलाया जाए, लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस किस प्रकार से फैलाया जाए, इस चीज़ के लिए ही पूरे विश्व में जो है वह 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको मनाने की शुरुआत कब हुई है। तो इसको मनाने की जो शुरुआत हुई है वह हुई है 1980 से, यानी कि 1980 से इसको लगातार मनाया जा रहा है 27 सितंबर को। और यह जो है वह किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो यह यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह मनाया जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको हर साल मनाया जा रहा है, और यह भी मनाया जा रहा है 1980 से लगातार, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इस वर्ष का जो थीम क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इस वर्ष का जो थीम है वह है टूरिज्म एंड पीस। तो यह है, ध्यान रखेंगे, पर्यटन और शांति। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किसी भी जगह का जो पर्यटन है वह और वहाँ पर जो शांति है, किस प्रकार से दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का जो थीम है उसको यहाँ पर बनाया गया है। तो पर्यटन के जो है, पर्यटन में आते हैं लोग इस देश के उस देश में, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर आने जाने के लिए जो भी होए, पर्यटन भी काफ़ी फल फूल रहा है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को चाहिए कि शांति हो, विश्व में शांति हो। अगर शांति रहेगी तो एक देश से दूसरे देश में आना जाना और सुविधाजनक होगा, और लोग आसानी से आराम से शांतिपूर्वक आ जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से इस वर्ष का जो थीम है उसको बनाया गया है, टूरिज्म एंड पीस, यानी कि पर्यटन और शांति, इसी को हम लोग कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं फिर कुछ जानकारी है। तो इस वर्ष का जो मेजबान देश कौन है, तो इस वर्ष का जो मेजबान देश हुआ है जॉर्जिया। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जॉर्जिया जो है वह इस वर्ष का मेजबान देश है। 1997 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेजबान देश का भागीदार बनाने का शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर साल कोई ना कोई देश मेजबान देश होता है, जहाँ पर कुछ ना कुछ सम्मेलन, कुछ ना कुछ आयोजन होता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस वर्ष का जो मेजबान देश है वह है जॉर्जिया, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और यह 1997 से मेजबान देश का भागीदार बनाने वाला जो कहानी है उसका शुरुआत हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है थीम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो इस डेट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में, इसका जो मनाने का शुरुआत जो हुआ है वो भी हम लोग देख लिए हैं, साथ साथ जो थीम था उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे।